नमस्कार, सदियात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जयपुरा में पकड़ी गई 2 करोड़ की अफीम की खेती अभियुक्त गिरफ्तार। मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल थाना अंतर्गत लगभग 1 बिस्सा अफीम की खेती किया बरामद। नशे के कारोबारी को तगड़ा झटका, टूट गई रीढ़। अफीम की खेती लगभग 1 बिस्सा जमीन में की जा रही थी। विंध्याचल थाना अंतर्गत जयपुरा चौकी के पियरी भीट गाँव में की जा रही थी, जिसकी कोई खबर किसी अधिकारी को कानो कान नहीं थी। लेकिन जैसे ही यह जानकारी विंध्याचल के थाना प्रभारी दयाशंकर ओझा को मिली तो उन्होंने बड़ा धमाका कर दिया। मौके पर पहुंचकर पूरी खेती जब्त कर लिया। आपको बता दें कि अफीम की खेती की जानकारी होते ही थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, मैं टीम मौके पर पहुंचे और इस नशीली खेती का अंत कर अभियुक्त फूलचंद वैद्य को गिरफ्तार कर लिया। वहीं परिजनों ने बताया कि दवा के लिए लगाया गया था। कहते हैं कि अधिकारी दमदार हो तो काम असरदार होता है। हजारों छोटे छोटे मासूम और नए युवाओं को इस नशीली खेती को जब्त करके नशे के आगोश में जाने से बचा लिया। जिले में पहली बार ऐसा धमाका देखने को मिला है। इससे पहले कहीं भी कोई खेती शायद ही पकड़ी गई हो। आपको बता दें कि 109 किलोग्राम 2675 अफीम के पौधे की कीमत लगभग 2 करोड़ बताई जा रही है। थाना अध्यक्ष विंध्याचल दयाशंकर ओझा, चौकी प्रभारी जयपुर आनंद शंकर सिंह, एसओजी सहित पुलिस बल मौजूद रही। सदियात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर, धन्यवाद। देखिए, जो लोग नारकोटिक्स के अवैध धंधे में रहते हैं उनके विरुद्ध लगातार जनपद मिर्जापुर में संगठित रूप से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में आज थाना विंध्याचल की पुलिस द्वारा एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है, जिसमें कि एक व्यक्ति है जो अपने ही घर के पास में, जो उसका खेत है, इसमें वो बड़े पैमाने पर अफीम की खेती कर रहा था। और सूचना मिलने पर हम सभी लोग नियमानुसार वहाँ पर, हमारी टीम गई और इस व्यक्ति के जो भी वहाँ पर था अफीम जो उगाया जा रहा था उसको अपने कब्जे में लिया और इसमें अभियुक्त को हिरासत में लेके ये किसको बेचता है, बीज कहाँ से लाता है, इन सब चीज़ों पर हम लोग अभी अपनी विवेचना कर रहे हैं। टोटल मिला के लगभग 2700 पौधे इसमें हम लोग को बरामद हुए हैं, जिसको प्रोसेसिंग करके आगे ये अफीम और जो अन्य मादक पदार्थ हैं उनको ये बनाते हैं। उसकी अनुमानित कीमत जो है आज की डेट में अगर निकाली जाए तो लगभग 2 करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही है। जैसे जैसे हम लोग चीज़ों पर काम कर रहे हैं तो जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके नाम आ रहे हैं और इनके तार किन जनपदों से जुड़ रहे हैं, कौन दूसरे राज्यों के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सभी का हम लोग पता लगा रहे हैं और एक सिस्टमेटिक कार्रवाई इसमें हम लोग अंजाम दे रहे हैं। और इनकी अवैध संपत्तियों को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उनको भी ध्वस्त कराया जाएगा, कुर्क कराया जाएगा। इसके अलावा जो है बाकी जो प्रभावी कार्रवाइयाँ हैं विधि सम्मत, वो सभी इन पर कराई जाएगी।